गुड मॉर्निंग। सो आज है 26 अप्रैल और आज है एग्ज़ाम पल्मोनोलॉजी का। तो ग्रेड से पास हूँ, बहुत अच्छा ग्रेड से। गुड मॉर्निंग। सो आज है 26 अप्रैल और आज है एग्ज़ाम पल्मोनोलॉजी का। तो मैं तो रेडी होकर आ चुका हूँ और रेडी हो भी चुका हूँ आधा घंटे से। और अपने जो रूम में डॉक्टर ऋत्विक भाई साहब को अभी तक रेडी हो रहे, पता नहीं लेट ना हो जाए। 9-10 तो यहीं पे हो गया। सो आज मेरा एग्ज़ाम था तबिलिसी हार्ट सेंटर यहाँ पे, और एग्ज़ाम तो बहुत ही सही निकला है। मतलब इतना सही निकला है क्या बताऊँ, मोर देन एक्सपेक्टेशन। जितना नंबर मिला है, मैं सोच नहीं रहा था कि इतना नंबर मिलेगा। अगर मिल गया तो चलो अच्छे से पास भी हो गया। पास नहीं, ग्रेड से पास हो, बहुत अच्छा ग्रेड से। क्लास से बाहर आते ही अभी मार्जेशोले उतरे थे, फिर वहाँ से अभी चल रहे अपने हॉस्टल। आज शाम की क्लास है, शायद मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, कल रात भर पढ़ाई की है ना, इसीलिए। सो क्लास आ गया था, मतलब क्लास से आ गया था, जैसे कि मैंने रेस्टोरेंट पे बनाया था। उसके बाद रूम में आया, आने के बाद खाना पीना खाया और मस्त एक नींद लिया। और अभी जगा हूँ, और जगने के बाद मेरे इतने व्लॉग चल रहे ना। और मैं आज की डेट में, आज है 26 तारीख, और आज की डेट में मेरे जो व्लॉग का कंटेंट है वो पहुँचा है करीब 12 अप्रैल तक। और जबकि आज 26 तारीख है, 14 दिन पीछे चल रहा हूँ मैं। तो इनको मैं जितना हो सके 2-3 व्लॉग तो एडिट कर ही लेता हूँ आज के दिन, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, और पढ़ाई भी करना है आज। तो बहुत कुछ करेंगे, आज फाड़ देंगे। सो लैपटॉप रेडी हो चुका है, अपने को बस बैठना है। बैठ चुके हैं और इसमें पासवर्ड डालना है, मगर इसका जो पासवर्ड है मैं कभी कभार भूल जाता हूँ। लेट्स सी, हाँ खुल गया। ओ भाई साहब, ये तो पढ़ाई कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। ये जूनियर का लैपटॉप लेके आया हूँ और ये लिटरली पढ़ाई कर रहा था, तब तो बढ़िया है भाई। पढ़ाई तो करने के लिए आए हैं, पढ़ाई करना चाहिए। और अब खोल लूँगा मैं अपना प्रीमियर प्रो, और प्रीमियर प्रो खोलते ही शुरू एडिट। सो एडिट अपने जगह पे है, और अभी मैंने ये ग्लास भर के ब्लैक टी और एडिट, नहीं तो मेरे को फिर से क्या पता नींद आ जाए, तो इसलिए मैं इसको दोबारा करने बैठूंगा। और उस दिन मैंने किया भी था परसों रात को, और सारे के सारे फुटेज डिलीट हो गया, इसीलिए मेरे को दोबारा ये सारे के सारे एडिट करना है। देखो 13 तक क्लिक भी रखा, मैंने किया भी था एडिट, और ये फुटेज अपने आप डिलीट हो गया था। तो अभी शाम के 10-11 बज रहे हैं। ये भाई साहब जितने भी मेरे रूममेट्स हैं, ये सारे मूवी देखने गए थे, मूवी देख के आ चुके हैं। मेरे को मूवी पसंद नहीं आई इसलिए मैं नहीं गया, मगर इनके मुंह से जो रिव्यू सुना कि मूवी टट्टी थी, अच्छा हुआ मैं नहीं गया। और साथ में आते टाइम पिज़्ज़ा लेके आए भाई साहब, बहुत सही है। आज रात को पिज़्ज़ा पार्टी भी हो जाएगी, कल सुबह क्लास भी नहीं है। तो गुड मॉर्निंग। और कल रात को खाना पीना खा के हम लोग कल जल्दी सो गए थे, बहुत ही जल्दी, लिटरली 12 बजे तक 1 बजे तक सो गए थे। और सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके पूरा फ्रेश अप में हुआ, चाय वाय पिया, बहुत रिलैक्स होके। अभी 10:22 टाइम हो रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ 10:22 टाइम हो रहा है। और अभी पढ़ने बैठा हूँ और 12:30 तक पढ़ूँगा, मतलब 2 घंटे, मोटा मोटा 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद 12:30-1 बजे तक रूम साफ़ करने आएगी, तो रूम साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 1:30 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि 3 बजे से क्लास है। बहुत सही है शेड्यूल, क्लास भी करके आएंगे और शाम को आकर फिर से पढ़ाई करेंगे। और बहुत कुछ करना है, वो तो मैं शाम को बताऊंगा। क्लास ख़त्म हुआ, अब पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी क्लास का क्या है कि यहाँ पे ना बस मिलती नहीं है। मगर जो दिखा ये देख सकते हो, क्या मस्त चीज़ नहीं दिखा, बग्गी। पबजी खेलने वाले को सबको पता होगा। बाय द वे अभी जा रहा हूँ मैं पैदल 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 निकल लूँगा यार, मिलता ही नहीं है बस यहाँ से। और आज जो क्लास था ना, ख़तरनाक क्लास था। 3 पेशेंट दिखाया गया, तीनों के तीनों मतलब ख़तरनाक इमरजेंसी वाले पेशेंट थे। बहुत ही सही लगा मेरे को, मतलब मेरे को क्या सबको ही सही लगा। आज क्लास से आया, आने के बाद यहाँ पे बैठा हूँ और किचन में खाना दोपहर का ख़त्म हो गया था और मिला नहीं, और अभी चाय पिया है। मगर भूख तो बहुत तेज़ लग रही है, अब तक खाना आ जाना चाहिए रात का। देखते हैं 9:30 की टाइम हो रहा है, शायद आ गया होगा खाना। मगर रोज़ रोज़ ऐसे खाना नहीं मिलता है और रात को आके धमकाते हैं कि रूम से निकाल देंगे, जबकि हमने 3 महीने का भी एक्स्ट्रा दे रखा है। पता नहीं लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब सोचते हैं बाहर जाकर पढ़ाई अच्छी होती है, ये होती है वो होती है, पढ़ाई तो हो जाती है मगर ये सब जो एक्स्ट्रा टेंशन है ना, ये घर वालों तक पहुंचती है ना। इसलिए मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मैं ये सब चीज़ घर वालों को तुरंत नहीं बताना चाहता। वो लोग क्या सोचेंगे कि रात को 12 बजे आकर घर से निकालने की बात कर रहे हैं, जबकि पैसा दे रखा है, खाना मिलता नहीं है। सो रात का अभी 1:50 में 1:50 टाइम हो रहा है और आज का जो डेट है वो 28 तारीख। सुबह से लेकर इतना भागा दौड़ी, क्लास ख़त्म हुआ और अभी भी हॉस्टल में कुछ अफरा तफरी हो गई थी, तो वैसे ही कुछ मतलब अपने बंदों में वो सब इधर उधर करते करते बहुत लोग अलमीरा आया वो सब उठाया, और अभी भी नींद मतलब आई नहीं है और सोने जा रहा था। तो उससे पहले अपडेट ये देना था कि लाइक लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। जो भी नियर बाई है, आपके नियरेस्ट है, प्रोजेस्ट है, प्यार करो प्यार बांटो, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, और अभी का जो टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, अभी 2:12 में टाइम हो रखा है और मैं अभी क्लास जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं और मेरे जो 2 दोस्त हैं, मगर सुबह से लेके अब तक बहुत तेज़ भूख लगा है, इसलिए आए हैं शौरमा शॉप। तो शौरमा खा के फिर निकलेंगे क्लास के लिए। ऑर्डर तो शायद हो गया है, ऑर्डर हो चुका है, तो शौरमा भी बन रहा है। ये जो है ना गरम ग्रिल, इसी में से काट काट के निकालते हैं चिकन को और फिर इसको बनाते हैं। अभी क्लास पहुंचना था 3 बजे, 3:30 टाइम हो रहा है, फिर भी अभी भी हम लोग फर्स्ट है और हमारे से पहले कोई भी नहीं आया है क्योंकि ये इतना दूर है ना कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, ये बोलते इसका हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल बहुत दूर है। मगर यहाँ पर आने के बाद टीचर वही बहुत देर तक पढ़ाती है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो मज़ा आ जाता है। और जाते टाइम फिर बस मिलती नहीं है। सो दिस इज़ द हॉस्पिटल कॉरिडोर, और क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो कि अभी 7 बज रहा है और बाहर कुछ ऐसा हो रखा है। और ये वाला जो गेट है इस पर ताला लग चुका है, तो इसलिए यहाँ से तो नहीं जा सकते। अब घूम के इधर से वो आगे से घूम के फिर वहाँ से लेफ्ट जाके होगा। साढ़े 9 अभी टाइम हो रहा है और अभी जाके बैंक का काम हुआ है, बैंक ऑफ जॉर्जिया से, जो कि ना आज पेमेंट करना था अपने हॉस्टल के जो एजेंट है उसको, तो इसीलिए पैसे निकालना था। वो पैसे निकल चुका है और अभी मैं रूम में जाऊंगा। और सच्ची में भूख बहुत तेज़ लग रही है, 9:25 टाइम हो रहा है। ओ भाई 9:25 में तो भूख लगेगा ही।